इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई ऑर्डर मंगाते हैं अपने फ्लिपकार्ट पर से, तो एक ऑप्शन आपको निकल कर आ जाता है विदाउट डिलीवरी के टाइमिंग। वहाँ पर लिखा हुआ था डिलीवरी रिक्वायर एन ओटीपी, वी विल बी ओपन पैकेज योर डोर स्टेप्स टू चेक योर डैमेज और रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी एन ओटीपी विल बी शेयर्ड व्हेन द ऑर्डर आउट ऑफ डिलीवरी। तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ आता है। तो बेसिकली ये रहता क्या है और क्या सिचुएशन रहती है, देखिए ओटीपी वाला नहीं रहता कि आपसे कंफर्म करता है कि ऑर्डर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ये ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय को देना है, ठीक है, तब देना है, तब आपको प्रोडक्ट आपका लगे कि हाँ परफेक्टली आ चुका है। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंस रहती है, ध्यान रखिए उसके लिए इम्पोर्टेंस रहती है। जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट मंगाया, आपने उसकी पेमेंट कर दी, मान के चलिए आपने पेमेंट उसकी फुल कर दी एंड वो ऑनलाइन ही था प्रोडक्ट, अब वो जब आपके पास आएगा तो आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। या कुछ प्रोडक्ट महंगा होता है, ये एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि किस पर ओटीपी मांगनी है और किस पर ओटीपी नहीं मांगनी। जो यहाँ पर जो मतलब सेंसिटिव जैसे फ़ोन वगैरह हो गए तो उनमें ज़्यादा चीज़ें मांगती है कि वो ओटीपी रिक्वायर होती है, तो वो ओटीपी आप उन्हें देंगे तो वो आपको आपका प्रोडक्ट दे देंगे। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी होता है एंड डैमेज एंड सिक्योरिटी के लिए भी होता है, तो आप चेक करके आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको मिल भी जाता है तो जो है इसको एक्सचेंज भी करा सकते हैं, लेकिन हाथों हाथ की, अगर ये डिस्प्ले वगैरह टूटी हुई होगी तो बंदा ले जाने में दिक्कत करेगा। और जब भी आपको फ़ोन या इतनी महंगी चीज़ मिले तो हाथों हाथ वीडियो बना कर रखिए, अपने प्रूफ रखिए अपने पास जब आपको फ्लिपकार्ट पर था, ये एक एडवांटेज रहता है फिर आपके पास कि आप हाथों हाथ ही देख लें, उनकी ही गलती लिख लेगी अगर आपने पहले ही वीडियो बना ली थी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।